डोगीरा रुको जरा, पहले आराम कर लो, बाद में महाराज के पास जाऊंगा, समझा? रामर, वीर सिंह ने हमारी पूरी टीम को इतना धोया है कि महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। डोगीरा, महाराज ने तुमको सिपाही बनाया था, महाराज का पास तुम ही जाना। अरे नहीं नहीं लोमर, मैं अकेला महाराज के पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो महाराज हमको कच्चा चबा जाएगा। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है डोगीरा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो कुछ सोचो, सोचो लोमर। और हाँ, अभी से मैं सिपाही पद छोड़ रहा हूँ, तुम संभालो। कर्म का फल सीधा है डोगीरा, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, समझा डोगीरा? लोमर, तुम क्या पहेलियाँ बुझा रहा है, कुछ तो सोचो मेरे दोस्त। तुम चिंता मत करो डोगीरा, मैं महाराज को उल्टा पाठ पढ़ाऊंगा। लोमर, एक बात बताओ। बोलो डोगीरा, क्या बोलना चाहते हो? लोमर, सोच भले ही नहीं हो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे अकल ठिकाने आया, वीर सिंह को मारना इतना आसान नहीं है डोगीरा, जितना तुम सोच रहे हो, समझे? लोमर मेरे दोस्त, मुझे बस एक ही बात का चिंता है, कहीं महाराज हमको कच्चा ही नहीं चबा जाए। अरे मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, और हाँ, मैं जो बोलूँगा तुम भी वही बोलना, समझा? समझ गया लोमर महाराज, सब कुछ समझ गया। तो फिर चलो महाराज के पास। लोमर और डोगीरा महाराज की जय हो। या माइला, कौन बोला? लोमर मेरा दोस्त, जरा ऊपर देखो, महाराज का चमचा बैठा हुआ है। हराम खोर, नमक हराम, तुम दोनों ने महाराज का नमक खाया और महाराज के साथ धोखा देने का साजिश रच रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ए सुगना, जवान संभाल के बात कर, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा? हाँ बोल बोल बोल, क्या कर लेगा? ए सुगनो, मेरे साथ पंगा मत ले, नहीं तो ना तू घर का रहेगा ना घाट का, समझ गया? तू मुझे धमकी दे रहा है डोगीरा, जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा नमक हराम। इसलिए मर जाऊं? हाँ बोलो बोलो, इसलिए मर जाऊं? ऐसा हमने क्या कर दिया जिसके लिए हमको खुद ही मरना पड़ेगा? हाँ सुगना, बोल बोल बोल। तुम दोनों अपने आप को बाहुबली समझ रहा था बेवकूफ, चला था वीर सिंह को मारने, और नतीजा क्या हुआ देख लिया तुम दोनों ने, तुम्हारी पूरी टीम को इतना धोया कि तुम दोनों अब महाराज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। ए सुगना, हंस मत, समझा? तुमको किसने बोला कि वीर सिंह ने हमारी पूरी टीम को ढो डाला? हाँ हाँ बोलो 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 सुगना बोलो, तुमको किसने बोला, जरा उसका नाम तो बोलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा बेशर्मो, तो वीर सिंह तुम्हारी टीम और तुम दोनों को धोया कि नहीं, सच सच बोलो। ए क्या सच बोलूं? हाँ क्या सच बोलूं, इतनी सी तो तेरी साइज है और इतना लंबा जुबान, सुगना वीर सिंह का इतनी औकात,
लो मर और डोगीरा का गिरेवान पर हाथ डालेगा। और हाँ सुगना, जिस दिन वीर सिंह मेरा और मेरे दोस्त का गिरेवान पर हाथ डालेगा तो वीर सिंह का हाथ काट दूंगा, समझा? नमक हराम, ये पाठ तुम दोनों महाराज को पढ़ाना, सुगना को नहीं, समझा? बड़ा आया मुझे सिखाने। सुगना, तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। देखो लो मरडुगिया, जिस जगह वीर सिंह तुम्हारे पूरे टीम को धोया था, मैं ऊपर बैठकर सारा नजारा देख रहा था, समझा? सुगना, तुमको चश्मा की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें उल्टा ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, चश्मा का जरूरत किसको है, वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, समझे? सुगना भाई, रात गई बात गई, आप क्यों हम दोनों को महाराज के हाथों शहीद करवाना चाहते हो? हाँ, सुगना भाई, लोमर ठीक बोलता है। ठीक है, मैं चलता हूँ महाराज के पास। या माइला, ये तो चला गया। अब क्या होगा लोमर दोस्त? अरे कोई बात नहीं, चलो महाराज के पास, जो होगा देखा जाएगा। लोमर, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। अबे कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। अरे ये अपने गधेरा भाई है। मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, नंगरे उठा के। बदल जाता है वह लोग जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाता है। गधेरा, सीधा सीधा बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आता। तुम दोस्त बनकर मेरा घर में डाका डाला है। डाका डाला है, लेकिन इसमें डाका डाला है गधेरा भाई? लोमर ने मेरे घर में डाका डाला है और मेरी बाली को भगा के ले गया है। अच्छा अच्छा, लोमर ने तुम्हारी बीवी को भगा लिया है? हाँ डोगीरा, लोमर दोस्त बनकर मेरे पीठ में छुरा भोंका है। गधेरा, बीवी मेरा पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? देखो लोमर, मेरा बीबी मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं महाराज के पास जाऊंगा तुम्हारा शिकायत लेके, समझा? गधेरा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा गधेरा, नंगरी उठा के। ठीक है, मैं जाता हूँ महाराज के पास। अरे जाओ महाराज के पास, महाराज क्या उखाड़ लेगा। अरे मान जाओ गधेरा भाई। कैसे मान जाऊँ डोगीरा भाई, मैं अभी जाता हूँ महाराज के पास लोमर का शिकायत लेके। तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, क्योंकि मैं अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरा लिया हूँ तुम्हारा बीवी का साथ, समझा? समझ गया लोमर, तुम्हारा नियत में खोट है, मैं चलता हूँ महाराज के पास। अब क्या होगा लोमर दोस्त? अरे कोई बात नहीं, चलो महाराज के पास, जो होगा देखा जाएगा। महाराज महाराज, हम दोनों बहुत अच्छा खबर लेके आया हूँ महाराज। हाँ महाराज, आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाओगे। खबर ओ भी अच्छा। बोलो बोलो, क्या अच्छी खबर है? महाराज, मैं और मेरा टीम। हाँ हाँ, बोलो बोलो
लोमर लोमर बोलो, तुम और तुम्हारा टीम ने क्या किया? वीर सिंह को। क्या वीर सिंह को? वीर सिंह मर गया क्या? आगे बोलो, आगे बोलो मेरे सिपाही, आगे बोलो क्या हुआ? बोलो बोलो। महाराज, हम दोनों ने मिलकर वीर सिंह को सामना किया और वीर सिंह मर गया। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। आगे बोलो बोलो। और महाराज, वीर सिंह को हम दोनों ने इतना धोया कि वीर सिंह का नामो निशान मिटा दिया इस जंगल से नंगरी उठा के। मेरे अनमोल रतन, मेरे दोनों सिपाही, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम दोनों पर नाज है मुझे। तुम दोनों ने मेरा बरसों का दुश्मन को अंत कर दिया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कौन बोला? सुगना, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। महाराज, मैं आराम करना चाहता हूँ। महाराज, मेरा पेट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, जाओ और सुनो, कल सुबह आना, समझा? ये डोगीरा हमको कहाँ फंसा दिया? बचा लो हे घोरियर देवा, अब मैं क्या करूं? क्या सोच रहा है लोमर? कुछ भी नहीं महाराज, एक बात बोलूं। लोमर, आज तुम कुछ भी बोलो, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ लोमर, मैं बहुत खुश हूँ आज। बोलो बोलो लोमर, क्या कहना चाहते हो? महाराज, एक्सेस एवरीथिंग इज वेरी बैड। खुशी की मारे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा लोमर? जी महाराज, समझ गया। हाँ तो सुगना, तुम क्या बोलना चाहते हो? महाराज, लोमर और डोगीरा धोखेबाज है, ये दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहा है। महाराज, धोखा दे रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, डोगीरा और लोमर ने वीर को नहीं मारा, बल्कि वीर ने लोमर और डोगीरा का पूरा टीम को साबुन पानी लगाकर धो डाला। महाराज, लोमर। जी महाराज। क्या सुगना सही बोल रहा है? जी महाराज, ये सब डोगीरा का चाल था महाराज, क्योंकि टीम का कमांडर वो ही था महाराज, नंगरी उठा के। सुगना, डोगीरा को बुलाओ। जी महाराज, अभी जाता हूँ। महाराज महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया महाराज। ए गधेड़ा, सीधा सीधा बताओ तुम्हें हुआ क्या है? महाराज, मुझे लगता है गधेड़ा का दिमाग की हालत ठीक नहीं चल रहा है नंगरी उठा के। नहीं महाराज, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें हुआ क्या है? बोलो गधेड़ा, जल्दी बोलो। महाराज, मैं बोला ना, गधेरा का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए अनाप शनाप बक रहा है महाराज। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करता है, उजाले उनको भी नसीब नहीं होता, समझा लोमर? गधेरा, ये पहेलियां बुझाना बंद कर, नहीं तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझा? महाराज, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है महाराज, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है महाराज। गधेरा, मैं बहुत देर से देख लिया तुम्हारा ड्रामा, अब सीधी सीधी बताओ तुम्हें हुआ क्या है? गधेरा मेरे दोस्त। लोमर, जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है, समझो? गधेरा,
क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, ये लोमर ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। लोमर ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा? क्या किया लोमर ने तुम्हारे साथ? बोलो गधेरा, बोलो क्या किया? मैं गधेरा का साथ कुछ भी नहीं किया महाराज। गधेरा का सर का कसम खा के कहता हूँ महाराज। नहीं नहीं महाराज, लोमर ने मेरे साथ दोस्ती के नाटक करके मेरा ही बीवी को पटा लिया महाराज। लोमर ने तुम्हारी बीवी को पटा लिया? लोमर ने तुम्हारी बीवी को पटा लिया? लोमर! जी महाराज। गधेरा जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्या? तुमने गधेरा का साथ धोखा किया है? महाराज, धोखा तो कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी से सबको मिलता है। गधेरा, क्या तुम अपने बीवी को फिर से वापस पाना चाहता है? जी महाराज, मैं अपने बाली के बिना जी नहीं सकता हूँ महाराज। फिर ये बाली कौन है गधेरा? मेरा बीबी महाराज। हरामखोर, ये बाली बाली क्या लगा रखा है? बीबी बोल बीबी, समझे? जी महाराज। लोमर! जी महाराज, हुकुम कीजिए। तुम गधेरा की बीबी को वापिस कर दो, समझे? महाराज, मैं गधेरा की बीबी के साथ बहुत ही प्रेम से जंगल के सारे जानवरों को साक्षी मानकर सात फेरा ले चुका हूँ महाराज। लोमर! जी महाराज। गधेरा की बीवी को वापिस कर दो, समझा? ये मेरा हुकुम है, समझ गए? जी महाराज।